जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए 100 साइंस टॉप साइंस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आओ सबसे पहले आप पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है दोस्तों, आप लोग बोलिएगा या कमेंट में आंसर दीजिएगा। कहता है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगकरण और उल्टी का नियम केंद्र है, तो यह है दोस्तों मेडुला अमलगाटा, ऑप्शन अमलगाटा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों गुर्दा द्वारा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4। कहता है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी, तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। कहता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक दोस्तों मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है क्या, तो ये है दोस्तों एलिवियोली, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7। कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ, तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन से, ऑप्शन ई, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन होते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ, तो यह भंडारित होता है यकृत में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों दाल से, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि एजोला है एक क्या, तो एक जलीय फर्न है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12। कहता है आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13। कहता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों प्रोटीन से और लिपिड से, ये दोनों से बनी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं कौन, तो ये आते हैं दोस्तों कार्डेटा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जीवाणु नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया का माइक्रो प्लाज्मा किस जगत के अंतर्गत उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों मनेरा से, ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फाइड अंग है, तो ये अंग है दोस्तों तिल्ली, जिसे बोलते हैं स्प्लीन भी बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकाएं कौन सी हैं, जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखाने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के रूप में ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कोशिका में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका में वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19। कहता वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है, तो ये काम आता है दोस्तों लाइकेन, जिसको साइक भी बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रकार मतलब निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये निभाता है दोस्तों
क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21, कथा वनस्पति कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों सेलुलोज से, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22, कथा कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों राइबोसोम, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23, कथा कौन सी किरण त्वचा के क्षति पहुंचाती है, तो ये पहुंचाती है यूवी रेंज, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24, कथा है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से दोस्तों हो जाती है रोग प्लेग्रा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25, कथा है जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, तो अस्पष्टी उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस, ऑप्शन हो जाता है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 26, कथा मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, तो ये विटामिन है दोस्तों मार्च 2021 तक विटामिन अनिवार्य कितना है, तो 13 है, ऑप्शन हो जाएगा बी सॉरी सी। आइए क्वेश्चन नंबर 27, कथा है वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उद्दीपन, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28, कथा है उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो ये विकसित किया है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया है, तो मटर पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो ये भिन्न होती है कोशिका भित्ति से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31, कहता है चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, तो ये सैलोद भित कहलाते हैं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो ये शकरकंद का नहीं है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो रात्रिचर होते हैं दोस्तों मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो मछली कौन है दोस्तों, तो यह स्टार फिश मछली नहीं आते हैं दोस्तों, आइए इसका दिमाग नहीं होता इसलिए इसको बस मछली वर्ग में नहीं लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एकिरना, ऑप्शन ए। ये अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता दोस्तों, यही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कथा मेढक के कायांतरण में क्या होता है, तो मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कथा निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक लेता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर टैडपोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कथा है 38 दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 ग्राम, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सभी अम्लों का आवश्यक सर्वोत्तम स्रोत है तो अंडा है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत क्या है, तो विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है परख नली शिशु के मामले में क्या होता है, तो निषेचन परख नली के अंदर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा
निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है। तो ये जीवित जीव है दोस्तों डोली, ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 43, कथा एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों कौन सत्य नहीं ये पूछ रहा है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सत्य नहीं है। तो एस्पिरिन मादक दर्शनक दवाओं के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यही सही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 44, कथा बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो बचाने में काम आता है। बीटा ब्लॉकर किसके बचाने में काम आते हैं दोस्तों, तो हृदयाघात से बचाने में काम आता है, इसका नाम है बीटा ब्लॉकर औषधि एक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, कथा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये है दोस्तों पोटेशियम, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 46, कथा है 46 सिलिकोसिस एक है क्या। तो ये एक है दोस्तों फेफड़े संबंधित बीमारी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47, कथा शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। तो ये होता है दोस्तों यूरिक अम्ल जम जाने के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। तो ये बर्ड फ्लू का कारक है H5N1, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 49, कथा जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है क्या। तो ये होता है विषाणु, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 50, कथा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। तो ये स्रावित करती है दोस्तों लेडिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वनस्पतिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 52, कहता है दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ए बी डी पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता, विटामिन दो में सी नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसमें भी सी दिया हुआ, इसमें भी सी दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा तीन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो ये करता है दोस्तों ये कौन सा जीव शरीर के बाहर खामी सामग्री को तोड़ता है फिर अवशोषित करता है, तो ये खामीर करता, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 54, कहता अस्थि सुपरिता बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है तो हड्डियां, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो ये इकट्ठा किया जाता है दोस्तों 20 से, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जा सकता है, तो 20 प्रकार से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 56, कहता है निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों ग्लूकोज से, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 57, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण पाया जाता है दोस्तों जीवाणु में, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 58, कथा कौन सी प्रक्रिया जोड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति से मदद करती है कौन। तो ये करती है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन 59, कथा बंदर के काटने से वाले रोग की पहचान करें। तो रेबीज हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, कुत्ता काटने से भी रेबीज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60, कथा मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो के काटने से लोगों में फैलता है। तो कौन इसके काटने से लोगों में फैलता है दोस्तों, तो ये काटने से फैलता है एम्फलीज मच्छर मादा से, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 61, कथा वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्म कुछ जीवों जैसे
मधुमक्खियों कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निम्नलिखित के लिए विकसित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों अनिषेक जनन, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन में 62। 62 कहता है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह प्राग को फंसा कर रखता है। कौन रखता है दोस्तों? तो यह रखता है दोस्तों वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 63। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की कोशिका ऑक्सीजन सेल जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो ये कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 64। कथा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यही सही है। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोप्लास्ट कहा जाता है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 65। कथा कोशिका जीव विज्ञान में एक बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध वाला कोशिकांग क्या है, जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री को धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों केंद्रक, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 66। कथा खाली स्थान कोशिका को आत्मघाती बैग के रूप में भी जाना जाता है, किसे? तो लाइसोसोम को, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 67। 67 कहता है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिली है? तो ये झिली है क्यूनेटिक्स झिली, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 68। कहता कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक ग्राही है? तो ए बी, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए 69। निम्न से कौन अस्थि मज्जा द्वारा निम्नलिखित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? तो ये है दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन ए। ऑस्टियोक्लास्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ना कि बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 70 देखते हैं। कहता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने हृदय तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, गुर्दा की धमनी या महाधमनी, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 71। कथा मानव शरीर में नाइट्रोजन अस्पष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये गुर्दा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 72। कथा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर अंग ग्रंथियों शरीर के तापमान के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 73। कथा है आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है? तो ये होता है छोटिया, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 74। कथा मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 75। 75 कथा निम्नलिखित में कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो डोसेरा मांसाहारी पौधा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 76। 76 कहता है कि शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां वजन के आधार पर मांसपेशी की मांसपेशियां होती है, मांसेस्टर की मांसपेशियां होती है, और वह कहां स्थित होती है? तो ये जबड़ा में, ऑप्शन होता है ए। आइए क्वेश्चन नंबर 77। कहता है लार में कौन सा एंजाइम मौजूद है? तो इमाइलेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आइए क्वेश्चन नंबर 78। 78 कहता है दोस्तों कि बबुरचित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 79। 79 कहता है भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो पीबी वाइलेक, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया दोस्तों, 89 हो गया। आइए 81।
पता है निम्न से कौन सा जोड़ सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो मलेरिया मलेरिया क्लोरिन क्लोरोक्विन ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 82, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमित किया गया किसके द्वारा निर्मित है, तो यह निर्मित है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है किस देश ने भारत का स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्माण किया है, तो ये किया है दोस्तों रूस, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है पाइन फर स्प्रूस सेडार लार एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों अनावृत बीजी, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन और 85 कहता है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा प्रागणनकारी है, तो प्रागणनकारी कौन है दोस्तों, चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी भी है, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों है प्रागणनकारी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो पुष्प है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 87 कहता टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, संभव कैसे है, तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 88 कहता सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है कौन, तो यह है एस्कर्बिक एबिसिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो ये कार्य करता है फ्लोएम, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो ये होती है सेरिब्रम में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 कहता प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता मानव वृक्ष के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा है दोस्तों देखते हैं, कहता वृक्ष में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विकृत धमनी से वापस जाता है, तो ये दोस्तों नहीं जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ये गलत। कहता है बोमन संपुट से निसंदनीय द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनः पोषण होता है तथा विक्रिय सीरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, एकदम भेजा जाता है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है दोस्तों इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, स्फेगोमैनोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी, इंग्लिश में सही लिखा दोस्तों, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है। आइए 94 कहता है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं कौन सही है, कहता कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले प्राइवेट में विखंडन होता है, ये नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। कहता ऑक्सीजन के अभाव में पाइरेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, तो यह होता है दोस्तों ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, यह भी होता है दोस्तों, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्खंड विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों कौन सा विटामिन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 95 कहता है तो हो जाएगा विटामिन के, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्खंड विषों प्रति
विष प्रतिकारक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो यह बनता है दोस्तों ग्लूकोज, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों त्वचा में उपस्थित, ऑप्शन हो जाएगा बी। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है दोस्तों, गलत वाला चुनने का रहा, तो आइए कौन सही नहीं है, कहता ऑप्शन हो जाएगा सी। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये नहीं करते दोस्तों, यही गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, तो कुपोषण किससे होता है दोस्तों, करा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो किसमें कुपोषण नहीं करता है दोस्तों, ये हो जाएगा अल्पोषण से अति पोषण से और असंतुलित पोषण से, ये तीनों से होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम में जुड़कर वहां से आप ले सकते हैं लिंक। जय हिंद।